काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कोशिश लगातार चल रही है। भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से भारतीयों की वतन वापसी की जा रही है। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के कई भारतीय भी शिकार हुए हैं। सैकड़ों हिंदुस्तानी काबुल में फंसे हुए हैं। भारत सरकार इनकी वतन वापसी की पूरी कोशिश करने में लगी है। अफगानिस्तान से भारत आने वालों को सुरक्षित देश वापस लाया जा रहा है। भारत की ओर से उन लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के C-130J के प्लेन से 85 भारतीय वतन लौट रहे हैं। बताया जा रहा है कि फ्यूल के लिए विमान ताजिकिस्तान में उतारा गया। ये विमान काबुल से दिल्ली पहुंचेगा। इससे पहले मंगलवार को 140 से ज्यादा लोग भारत वापस लौटे थे। इसमें पत्रकार, राजनयिक, एम्बेसी स्टाफ भी शामिल थे। विदेश मंत्रालय की ओर से अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए बाकायदा एक स्पेशल अफगानिस्तान सेल तैयार की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि भारत सरकार की पूरी कोशिश अभी भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी पर है। तो कुछ दिन पहले भी भारत के नागरिकों को अफगानिस्तान से वापस लाया गया और यही प्राथमिकता रहती है कि एक एक नागरिक सुरक्षित वापस आए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।